दोस्तों कहते हैं, कभी कभी लगता है कि हिम्मत जवाब दे रही है। कभी कभी लगता है कि हिम्मत जवाब दे रही है और हौसला टूट रहा है, लेकिन फिर मन से एक आवाज़ निकलती है और कहता है, ऐसे कैसे, तुम्हारे हौसले पर तो और भी लोगों की हिम्मत और हौसला टिका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 को टारगेट करने के लिए यूनिक से सेट प्रैक्टिस 11 लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक 10th तक के सेट प्रैक्टिस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 10th तक के सेट प्रैक्टिस ज़रूर आप कवर कर लीजिए इस वीडियो के बाद। तो निश्चित रूप से प्रतिदिन शाम 7 बजे आप सभी लाइव आ जा कीजिए। किसी किसी दिन लेट हो जाती है तो 8 बजे तक में आ जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर कोई और तकनीकी समस्या, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। और इससे पहले दोस्तों, आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को एक शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे नए साथी हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कभी भी इस तरह का वीडियो लेट नहीं हो या फिर मिस नहीं हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला है आपका सामान्य हिंदी से। और लगभग दोस्तों 10 सेट आपको लगाने के बाद इतना तो पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन अभी तक आया है। अगर मान ली कि ये सेट 20 सेट अगर समाप्त हो जाती है तो हम आप लोगों को टारगेट में 4 सेट दिया हुआ है, तो टारगेट से भी कोशिश करेंगे आप लोगों को 4 सेट करवाए। 1 सेट आपका जो है अग्रवाल में भी दिया हुआ है, तो अग्रवाल से भी कोशिश करेंगे आप लोगों को करवाए। तब तक में सारा सेटअप भी तैयार हो जाएगा और मैथमेटिक्स का सीरीज भी शुरू हो जाएगा। जब तक सेटअप तैयार नहीं हो जाता है तब तक मैथमेटिक्स का सीरीज आप लोगों को नहीं मिल पाएगा और ना ही रीजनिंग का मिल पाएगा। बहुत जल्द कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके सभी चीज़ को क्लियर कर लें हम। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लगता है आज डैश होगी, लगता है आज डैश होगी। उपयुक्त शब्द कौन होगा, दिन होगी, वर्षा होगी, बादल होगी, सूर्य होगी। तो इसे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्षा होगी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों मुहावरा जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए, हम बार बार बोलते हैं मुहावरा रीडिंग कीजिए, विपरार्थक शब्द को रीडिंग कीजिए, अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो आता है उसको रीडिंग कीजिए, समास है, संधि है, आप जितना रीडिंग हो सके उतना रीडिंग दीजिए। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, डकार जाना क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प लेना। डकार गया तू तो सब कुछ डकार गया, मतलब कि हड़प लेना, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, आजकल चोरों डैश गिरोही सक्रिय है, कौन सा शब्द उपयुक्त होगा इसके लिए। आजकल चोरों डैश गिरोह सक्रिय है, चोरों को गिरोह सक्रिय है, चोरों से गिरोह सक्रिय है, चोरों पर गिरोह सक्रिय है, चोरों का गिरोह जो है सक्रिय है, क्या होगा। दोस्तों ऐसा कह सकते हैं, आजकल चोरों का गिरोह जो है सक्रिय है, इसलिए सावधान रहें। तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, निश्चित है पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द, मुहावरा हो गया, विपरार्थक शब्द हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, जो नॉर्मल है वो हम आपको बता रहे हैं। और आपको संज्ञा स्वरनाम क्रिया विशेषण का भेद भी जरूर याद रखिए, कितने भेद होते हैं। खग, खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खग किसको बोलते हैं। वैसे तो पक्षी होता है खग, पक्षी, और कभी कभी कबूतर को भी हम खग बोल देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा पक्षी, यानी कि सही जवाब आपका डी हो जाएगा। आगे हैं दोस्तों दिए, और दोस्तों ये बता दें, खग जो है हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं ज़्यादातर पक्षी के लिए। अगला है,
इस खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा कथन सही होगा या शब्द सही होगा, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, क्या होगा इसके स्थान पर, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, प्रतिशब्द, अधिकतम और अक्षरांश या फिर लगभग। दोस्तों यहाँ पर पूर्णतया है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं अक्षरश, अक्षरश ये जो है सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का C नंबर का। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों वर्षा को हम लोग पावस भी बोलते हैं। ऋतुराज, ऋतुराज से ये नहीं क्लियर होता है कि वर्षा का ही ऋतु मतलब कि वर्षा वाला ही समय है, ये आपका पावस हो जाएगा। आगे हैं नौकरानी शब्द, नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। अब देखिए यहाँ पर गलत लाइन है, इसको प्रतिस्थापित करना है कौन सी लाइन से बताइए। नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए, ऐसा कह सकते हैं साबुन से कपड़े धोए। अगर इस तरह से बात करें तो कहाँ पर है, साबुन से, नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए, तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ए नंबर का। देख लेते हैं दोस्तों इसका जो आंसर लिया है वो लिया है डी, लेकिन जो गलत है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए, या साबुन से कपड़े को धोए, तो को तो है नहीं कहीं पर, इसलिए इसका सही जवाब हम ए ही लेंगे। कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे हैं दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जैसे कि हो गया अनेक शब्द के बदले एक शब्द, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहेंगे, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक या पाक्षिक। ये बहुत बार दोस्तों आ भी चुका है और हम करवा भी चुके हैं, तो ये हो जाएगा पाक्षिक, बिल्कुल सही जवाब है डी हो जाएगा। आप सभी थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द, तो 2 से 3 पर्यायवाची शब्द अभी तक आ चुके हैं और लगभग हर सेट में 2 से 3 पर्यायवाची, अगर हम सभी चैप्टर को शामिल कर ले व्याकरण से तो हमको नहीं लगता है कि 15 टॉपिक से बाहर नहीं आ पाएगा। तो नॉर्मल में संधि समास से तो 1-2 रहता ही है, आपका जो है मुहावरा रहेगा ही, जैसे ये चल रहा है विप्रार्थक शब्द रहेगा ही, उसके बाद अनेक शब्द के बदले एक शब्द रहेगा ही, तो ये सब नॉर्मल है। तो आप ऐसा कहें तो 10 से 15 टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वस्त्र क्या हो जाएगा इसका, कपड़ा, हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं कपड़ा। आगे बढ़ते हैं, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ पर जो है इस लाइन को हटा करके कौन सा लाइन हम जोड़ सकते हैं जो सही अर्थ बताएगा, बताइए। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, नदियों के पानी को कह सकते हैं, पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, तो को यहाँ पर सी नंबर में है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कर्मठ, कर्मठ काम करने वाला, और जो काम नहीं करता है उसको कामचोर, नॉर्मल में हम लोग बाबाजी भी बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश, कितनी धूप है, और यहाँ पर देखिए आप ये लगा हुआ है, इसे बोलते हैं विश्वव्याधि बोधक चिन्ह, इस तरह से बोलते हैं विश्वव्याधि बोधक चिन्ह, तो डैश कितनी धूप है क्या होगा दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं, सावधान तो नहीं कहेंगे, शाबाश नहीं कहेंगे, खबरदार भी नहीं कहेंगे, उफ कितनी धूप है, उफ कितनी धूप है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विश्वव्याधि बोधक चिन्ह लग जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो सही है ब्राह्मण कैसे लिखते हैं आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों ब्राह्मण, ये आपका ब्राह्मण होता है, डी इसका सही जवाब हो, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ब्राह्मण
ये है ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ह हलंत होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सही जवाब। आगे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए अनेक शब्द के बदले। अभी तक में दो क्वेश्चन ये आ चुका है जो नया आया हो, तो इससे आप लोगों को आइडिया आएगा कि भाई क्वेश्चन आखिर व्याकरण में किस किस तरह से बनता है, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते, कम से कम आपका अप्रोच बनता है, तो आप खुद से भी डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पूछ ही दे, जरूरी नहीं है कि ये एक शब्द वाले आ ही जाए, नहीं आए लेकिन आपका तजुर्बा बन जाएगा। इस तरह से आप जरूर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से एरिया लगाइए, अपने से थोड़ा बहुत संशोधन कीजिए, तो आपको पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप से बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है। अगर आपका एरिया क्षेत्र बड़ा हो जाएगा सोचने का, तो आपसे बाहर क्वेश्चन जा नहीं सकता है। इसका दोस्तों जवाब दीजिए कमेंट में, क्या होगा, जो नया आया हो उसे क्या बोलेंगे, नवीन, नवागत, नवार्चीन, प्राचीन। दोस्तों उसे बोलेंगे नव आगत, जो न्यू आया है नव आगत, नवीन मतलब नया होता है और ये हो गया नव आगत, जो आया है नया नया, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, रिक्त स्थान को भरना है उपयुक्त सबसे, मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है, मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है, हमेशा चलने लगी है, कब चलने लगी है, थोड़ा चलने लगी है या के साथ चलने लगी है, क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। हम ऐसा कह सकते हैं मेरी बहन छोटी बच्ची है, कहेंगे मेरी बहन थोड़ा चलने लगी है, तो इसका सही जवाब सुटेबल जो होगा सी सही हो जाएगा, थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय के द्वारा जुड़े हुए हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों या मिश्र वाक्य जुड़े हों, किसके द्वारा, अव्यय के द्वारा जुड़े हों, तो उसे आप कौन सा वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप कोशिश कीजिए कवर करने का, तो उसे बोलते हैं जब भी दो या दो से अधिक वाक्य, सरल वाक्य हो या छोटा वाक्य हो, बड़ा वाक्य हो, तो उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं, सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द अंश, शब्द का अंश शब्दों के बाद लगता है, तो शब्दों के पहले लगता है उसे आप बोलते हैं उपसर्ग, ठीक ना, और जो बाद में लगता है उसे बोलते हैं आप प्रत्यय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, दो खंड अगर हो जाए समास में, कर्मधारय मतलब कि कोई नाम है, राजा का बेटा, राजपूत वगैरह वगैरह, अगर उसका खंडित करने पर कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से ही आकार कोई शब्द प्रधान बन जाता है, तो उस शब्द को आप क्या कहेंगे। दोस्तों जैसे कि हम कह दें लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, तो यहाँ पर कहा गया है जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, न लंबा है प्रधान न ही उदर, लेकिन अर्थ निकलता है लंबा उदर का निकलता है, लेकिन कोई शब्द प्रधान नहीं है, उसके बाद जैसे ही हम उसको अलग रूप से सोचते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, तो वो बन जाता है अर्थात गणेश जी, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुव्रीही समास। आगे बढ़ते हैं, जीव जंतु कौन सा समास है बताइए, जीव जंतु लोटा डोरी माता पिता भाई बहन, क्या हो जाएगा। दोस्तों जब भी दो दो की प्रधानता, यहाँ पर जीव भी प्रधान है जंतु भी प्रधान है, लेकिन लंबोदर में न लंबा प्रधान था न ही उदर प्रधान था, और यहाँ पर दोनों प्रधान है, तो दो दो द्वंद हो जाएगा। और तत्पुरुष में कौन आता है, जितना भी कारक प्रकरण का काके की से सा मा में पर जो भी आ जाए वो सभी का सभी आपका तत्पुरुष समास, जैसे कि राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र, उसके बाद इस तरह से काके की संबंधित जितना भी होगा वो तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में अव्यय का बोध होता है, द्विगु समास में आपको पता है कि जैसे कि कह दें कि त्रिहारा, पंचहारा,
त्रिमुखी, इस तरह से वो हो जाएगा आपका द्विगु समास, जो कि शुरू वाला शब्द जो होगा संख्यावाचक होता है। आगे है, निम्नांकित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्नांकित में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? दृष्टि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अन संधि? ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ए नंबर का दृष्टि संधि किसी स्वर संधि का भेद नहीं है, न ही ये संधि है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? दोस्तों इस बार जो है सीटेट में पूछा गया है निपात। अब आप एग्जाम दिए होंगे सीटेट का, तो आपको पता होगा कि सीटेट में व्याकरण कितना इम्पोर्टेंट रखता है। 15 नंबर आपका व्याकरण से पूछा जाता है, सोच सकते हैं बिल्कुल जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी ऐसे चैप्टर से पूछे जाते हैं जो हम लोग नॉर्मल में नहीं पढ़ते, जैसे कि निपात आप सभी नहीं पढ़े होंगे, हाँ हायर एजुकेशन में आपको निपात पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस तरह से बताइए, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया, इस वाक्य में जी हाँ निपात है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट होता है, वही निपात होता है। अगर इसको हटा दे तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैंने काम करना आरंभ कर दिया है, जी हाँ, तो ये हो जाएगा निपात। लेकिन कौन सा निपात है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बलदायक निपात, जी हाँ, मतलब पूरा कन्फर्म कर रहे हैं जी हाँ, तो ये हो जाएगा बलदायक निपात। आगे बढ़ते हैं, उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके दोस्तों बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्जोर नयन, उन्नयन। जहां भी देखिए तोहलंत है और ये लगने के बाद क्या होता है, आधार नौ बन जाता है, ये हो जाएगा आपका उन्नयन। आगे बढ़ते हैं, मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है? मनीषा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? जैसे कि अगर बात करें चतुराई, तो चतुर चतुराई, तो इस तरह से मनीषा का हो जाएगा मनीषी, सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रंगशाला में कौन सा समास है? रंगशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव समास? रंगशाला, रंगों का शाला, रंगों का घर, काके की आया, देखिए रंगों का शाला कह सकते हैं, पाठशाला आप क्या कहें, पाठशाला पढ़ने का शाला, अर्थात तत्पुरुष समास। काके की कर यानी कि कारक प्रकरण का जो भी संबंध आ जाए वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि राजपूत, राजपाठ, ये गर्भ वगैरह जो भी है, राजपाठ तो नहीं होगा, राजपुत्र हो जाएगा, गंगा जल हो जाएगा, ये सब। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, हवा, बताइए दोस्तों। समीर, पवन, समीर, हवा, ये आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द शब्दों के प्रकार हैं। अब देखिए हम आपको बताएं कि संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विशेषण के भेद कितने होते हैं, आप इसे जरूर याद रखिए। उसी तरह से आपको पूछा गया है पर्यायवाची शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो शब्दों का भेद मतलब कि जितना भी पॉइंट है उसका भेद आप जरूर याद रखिए। तीन प्रकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कौन कौन सा होता है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया है तीन प्रकार के होते हैं। मैं भी उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि सभी चीज़ को पकड़ने में क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं मैं मैथ भी पढ़ लूँ, रीजनिंग भी पढ़ लूँ, इंग्लिश भी पढ़ लूँ, थोड़ा वो सोशल साइंस, साइंस भी पढ़ लूँ, तो कोई भी आपका मजबूत नहीं रहेगा। वैसे मैं ज़्यादा समय मैथ पर ही बिताता हूँ, इसलिए मुझे और सबका उतना ज्ञान नहीं है फिलहाल। चलिए बताइए कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। गायक में संधि है, कौन सा संधि है? गायक में कौन सा संधि है? आपके सामने सभी ऑप्शन हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आयादि स्वर संधि। आयादि संधि स्वर संधि का ही भेद है। अब ये हो जाएगा आयादि संधि, गायक, आयक, जब भी आ गया आयादि संधि हो जाएगा। आगे है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन
क्या होगा दोस्तों। दिक् दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिक् जोर दर्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। कोहलम जो है वो आपका ग में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अग्नि परीक्षा तुम्हारा यही है, कहने का मतलब कह सकते हैं फाइनल परीक्षा एक तरह से। और फाइनल परीक्षा आपको पता है कि किस तरह से होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। आपका अब लास्ट परीक्षा है, कठिन परिस्थिति में पढ़ने वाले हैं, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर? बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर? इस वाक्य को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियाँ में से कौन सा उपयुक्त है? आप क्या कह सकते हैं ऐसे वाक्य को व्यक्त करने के लिए? बद अच्छा, बदनाम बुरा, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बहुत ही बढ़िया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मुदे नैन कतहु कोई नहीं। तो क्या दोस्तों इस तरह के लोगों को आप कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका जवाब आप जरूर दीजिए, आपके पास पास जो है 5 सेकंड का समय है। दोस्तों ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, मतलब कि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, गोबर में घी डालना कोई फर्क नहीं है, मतलब कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यही इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अब आप यूज कीजिएगा अपने दैनिक जीवन में भी, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा मुहावरा का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में नॉर्मल कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको रूल पता नहीं है तो आप अच्छे से इसमें उलझ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको इसमें करना क्या होगा, ये देखिए बराबर में वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कोष्ट लगा हुआ है, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन भाग का चिन्ह नहीं है, केवल माइनस प्लस है। जब भी माइनस प्लस हो तो आप सबसे पहले कोष्ट को ख़त्म कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, एक्स को इस साइड लेकर के आ जाइए और इसको क्या कीजिए दूसरे साइड लेकर के आ जाइए, उसके बाद सभी का प्लस वाला को एक साइड लिखिए, सॉरी एक जगह लिखिए और माइनस वाला को एक जगह लिखिए, उसके बाद अंतर कर दीजिए, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से चलते हैं हम लोग साइंस की ओर, और ये सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, हम आपको कई बार बोल भी दिए हैं। आगे हैं साइंस से, न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन था बताइए? न्यूट्रॉन ईट पर नाच, क्या बोलते हैं हम लोग ईट, मतलब इलेक्ट्रॉन का टी ईटो हो गया, थॉमसन हो गया, पर प्रोटॉन का रो रदरफोर्ड, और नाच 9 से हो गया न्यूट्रॉन, 4 से हो गया चैम्स चैडविक कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा दोस्तों सी सही जवाब, ईट पर नाच। आगे हैं तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान है क्या कहते हैं? दोस्तों सुने होंगे आप समस्थानिक संभारिक का नाम, संभारिक में क्या होता है भार समान होता है, समस्थानिक में स्थान समान होता है, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान समान है, तो समभारिक भार समान है, कहेंगे आप इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है क्या होगा? केंद्रक का इसके मतलब केंद्रक के न्यूक्लियॉन से गठन में होता है, द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में बढ़ोतरी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटाव। इस बार जो है 12th के एग्जाम में भी फिजिक्स के क्वेश्चन में या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग था, जैसे कि अल्फा या बीटा किरण या निकलता है या गामा किरण निकलता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में कमी आएगी, तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे है का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है, किसका उच्चतम गलनांक है? हीलियम का, NH3 अमोनिया का,
NaCl नमक का, या फिर CHCl3, ये हो जाएगा तीन क्लोरीन है तो कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। CH4 होता है आपको मीथेन, और इसमें तीन हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो किसका गलनांक उच्चतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BnaCl का। आगे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आप टेंथ में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा विखंडन होगा या विखंडित होगा? यूरिया, ग्लूकोज, सिल्वर नाइट्रेट, बेंजीन, किसको विखंडित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको पता है जब बैटरी में भी यूज किया जाता है कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं, ऑक्सैलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है किसका? बताइए, ऑक्सैलिक अम्ल के घोल मतलब कि आप जो जैसे कि पीएच मान भी आप निकालते हैं या फिर कलर का भी आप पता करते हैं तो उसमें सोडा घोल का अनुमापन करते हैं, तो उसके लिए अच्छा सूचक किसका यूज करते हैं आप? मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल रेड का, फ्लोरेसिन का, या फिर फेनाफ्थलिन का? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, उसे मिथाइल ऑरेंज भी यूज करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो लिया है वो लिया है डी, इसका डी फेनाफ्थलिन इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला है, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, लोहा के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो अवक्षेपित होगा क्या? आप इसका रिएक्शन भी पढ़े होंगे CuSO4 और यहाँ पर Fe, तो Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापित करेगा, क्योंकि Fe जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो 67 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कॉपर, तांबा विस्थापित हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप किसी पानी को गर्म करते हैं और इस साइड आपका वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब से जब भी पानी का दाब ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी उबलने लगेगा। मतलब पानी को उबाल करने के लिए आपका जो तापमान है वायुमंडल का उससे ज़्यादा तापमान निर्मित करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही है, और इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा या अर्धपारगम द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, ऑस्मोसिस का नाम परासरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है और किस नाम से? जल स्नेहक के रूप में, जल स्नेही के द्रव के रूप में, या जल विरोधी के द्रव रूप में, या जल विरोधी के रूप में? दोस्तों इसका सही जवाब जो लिया है वो लिया है द्रव स्नेही के रूप में, बी सही जवाब लिया है। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है, पुरातत्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हो गया कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे हो गया इनका खोज करना है तो उनके लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए सी कार्बन का आप नाम सुने होंगे, सी 14 का नाम सुने होंगे, इसी का यूज किया जाता है, C14 इसको बोलते हैं, इसे दिनांकित पद्धति बोलते हैं, यानी कि यह पद्धति कार्बन डेंटिंग होता है और यह कार्बन डेंटिंग ही कहलाता है नॉर्मल, वैसे यहाँ पर दे दिया है दिनांकित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन का यूज किया जाता है, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान दे दिया है कि 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपको रेट ऑफ रिएक्शन
अभिक्रिया की दर जो आप 12th में पढ़े होंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको उस फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ेगा, यानी तो आप डायरेक्ट भी अगर बनाना चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, समस्थानिक की अर्ध आयु कितना है, 20 दिन है। तो 20 दिन के मतलब क्या हुआ, 20 दिन के बाद वो आधा रह जाएगा, 20 दिन में आधा रह जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि 1 kg है, तो 20 दिन के बाद क्या बच जाएगा, आधा kg बच जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया 40 दिनों के बाद समस्थानिक अवशिष्ट कितना रह जाएगा, तो मतलब फिर से आधा, मान लीजिए कि अभी 1 kg है मेरे पास, कोई अवशिष्ट है 1 kg है, उसके बाद 20 दिन के बाद आधा हो जाएगा, कहने का मतलब आधा kg बचेगा, फिर आधा हो जाएगा, तो आधा का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 40 दिनों के बाद ना कहाँ है, तो 20 दिन पर आधा होगा, फिर 20 दिन 40 दिन हो गया, 40 दिन में 1/4 बचेगा, कहने का मतलब अगर 100 ग्राम है तो उसका 1/4 हो जाएगा 25 ग्राम, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप सभी थोड़ा फास्ट कमेंट करते चलिए, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते, हमें मज़ा नहीं आता है, आप वीडियो को लाइक करते चलिए, आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की हानि उपचयन है, आप लोग पढ़े ही होंगे, जब ऑक्सीजन जुड़ता है अपचयन कहलाता है, और सॉरी जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का लॉस होना ये हो जाएगा उपचयन, या हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का लॉस होना ये हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, इसका आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वैसे हम बता देते हैं कि इसका आंसर जो लिया है वो लिया है उपचयन, यहाँ पर अभी बता ही दिए हैं उपचयन, वैसे ही ये पहले ही बोल दिया है इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है, तो ये प्रक्रिया जो होता है हानि एनोड पर ही होता है, इसलिए इसे उपचयन ही बोलेंगे। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, पॉजिटिव, बताइए क्या होगा। पीरियोडिक टेबल आप पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या फिर सीजियम। दोस्तों पहले जान लीजिए, पीरियोडिक टेबल में आई ए समूह होता है, ठीक ना, आई ए समूह होता है जिसे आप ग्रुप कह सकते हैं, उस समूह में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, और किसी भी ग्रुप में विद्युत धनात्मकता क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, मतलब ऊपर कम और नीचे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब लिया है वो लिया है सीजियम, डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ है, आपको इससे पहले भी किसी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, शुष्क बर्फ है और बहुत बार पूछा भी जाता है, क्या होगा, सभी ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही जवाब CO2 ठोस कार्बन शुष्क बर्फ होता है। आगे है हीरा है, हीरा है SiO2 Al2O3 Al2O3 SiO2 का मिश्रण या फिर शुद्ध कार्बन, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, हीरा क्या है दोस्तों, हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, इतना तो बात आपको पता है, और यह शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन है, यह किसी भी चीज का मिश्रण नहीं है, डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट एक बार विभाजित होती है, एक मिनट में एक बार विभाजित होती है, यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा, बताइए। ये आपको रिएक्शन रेट कह सकते हैं, उसी तरह ये आधारित है, कहने का मतलब है एक जीवाणु कोशिका जो होता है एक मिनट में टूटता है, मान ली कि टूटा दो बना, अब ये दोनों फिर से टूटेगा, फिर बनाएगा, फिर ये तो है ही पहले से, अब ये भी क्या करेगा, टूटेगा, तो मतलब जितना टूटता जाता है वो उतना बढ़ता जाता है, वो भी खुद टूटने लगता है। तो एक प्याला को भरने में 1 घंटा का समय लेता है,
तो आधा प्याला को भरने में कितना समय लेगा? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 मिनट लेगा, ठीक ना, 59 मिनट लेगा, क्योंकि एक घंटा यहां पर देख सकते हैं लेता है, तो एक जीवाणु तो यहां पर पहले से ही है, एक जीवाणु क्या है पहले से ही है, इसका मतलब 59 जीवाणु क्या होगा विखंडित होगा, 59 जीवाणु जो है निर्माण होगा। तो 59 जीवाणु, एक मिनट में एक जीवाणु निर्माण होता है, तो हमको 60 मिनट में कितना जीवाणु, 60 जीवाणु, एक पहले से है तो हमको 59 ही निर्माण करना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 59 मिनट ही लगेगा, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप सभी लाइक करते चलिए, जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वीडियो को जरूर लाइक करते चलिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु जीवित जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में एक समर्थ मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? राइबोजियम है, ओजोटो वेक्टर है, या फिर क्लॉस्ट्रिडियम है, या फिर स्पेक्ट्रोकॉक्स है, क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब जो लिया है वो लिया है बी, ओजोटो वेक्टर इसका सही जवाब लिया है। आगे बढ़ते हैं, फुफंदी में संचित खाद्य पदार्थ होता है कौन सा होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, फुफंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों ये होता है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका, डी इसका सही जवाब हो जाएगा फुफंदी में। और दोस्तों पता है फुफंदी क्यों लगता है, जब ओक्रिय गैस अनुपस्थित रहती है तब फुफंदी लगती है, जैसे अगर केक की बात करें जो पैक होता है डब्बा में, तो उसमें पहले ओक्रिय गैस भरी जाती है उसे रोकने के लिए, इसे विक्री गंधिता भी कहते हैं कभी कभी। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अफीम पाया जाता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है अफीम को? कॉफिया एराबिका से, कैनाबिस सैटिवा से, या फिर थियासिनेसिस से, या फिर पवार सेमिनिफेरम से? दोस्तों अफीम जो प्राप्त किया जाता है ये प्राप्त किया जाता है डी, पवार सेमिनिफेरम से। आगे है दोस्तों सामान्य अध्ययन, जो आपका 20 क्वेश्चन इससे रहने वाला है और टोटल आपको 60 मार्क के होंगे, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको पता है कि एक मार्क्स आपका निगेटिव चला जाएगा। अशोक सम्राट, सम्राट अशोक ने अपनाया इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर ईसाई धर्म, क्या होगा दोस्तों? सम्राट अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और दोस्तों बता दे अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, कलिंग युद्ध सबसे लास्ट में लड़ा था अशोक, जिसमें जो है बहुत बड़ा संहार भी हुआ था और अशोक शांति के मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन लास्ट में उसे संहार करना पड़ा। और सम्राट अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन, और ये जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का उद्भव अशोक के सैकड़ों वर्ष बाद हुआ था। कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य कौन थे? अशोक यानी चंद्रगुप्त के शिष्य नहीं गुरु थे, अशोक के दादा के गुरु थे, जिनको कौटिल्य ने धनानंद को हटा करके पाटलिपुत्र का सम्राट बनाया था। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पर? अजमेर, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद? दोस्तों भारत में सूफी मत के चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है या दिया जाता है। 1236 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था, मतलब इसका निधन कब हुआ था? 1236 ईस्वी में। आज भी अजमेर में इनकी दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग के लिए एक तीर्थ स्थल है, तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे?
अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सभी ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए क्या होगा। दोस्तों अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, किसने कराया था? दिल्ली का लाल किला जो अभी भी हमारे लिए तीर्थ स्थान दिया कर सकते हैं, दर्शनीय स्थान है दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। आगे है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना ही होगा, इसका निर्माण, इसका संस्थापक इनके द्वारा ही किया गया, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। आगे है दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? सभी ऑप्शन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आप सभी जानते भी हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, प्लासी का युद्ध आपको पता है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, अंग्रेज और सिराज उद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिराज उद्दौला की पराजित हो गई थी, और जैसे ही सिराज उद्दौला की पराजय हुई उस समय आधा हार कह सकते हैं बंगाल का हो चुका था, और उसी के बाद जो है अंग्रेजों ने अपना शासन भी पूर्ण रूप से जारी भी कर दिया था। और 28 जून 1757 को मीर जाफर नवाब बन गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई कब, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई कब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई कब, 15 अगस्त 1947, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यदि हमारे माता पिता दोनों, या फिर कह सकते हैं दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो हम हो जाते हैं क्या, अगर हमारे माता पिता में से दोनों या फिर कोई एक अगर भारतीय नागरिक हो तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक, प्राप्त की हुई नागरिकता, विदेशी नागरिक, या इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों, वो हो जाती है जन्मजात नागरिकता। हमारे माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय है या फिर दोनों हैं तो जन्मजात नागरिकता हम लोगों को मिलती है। आगे है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है, या समान नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, या फिर तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है, या कोई संविधान नहीं होता है, क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जहां लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्था होती है वहां पर समान नागरिकों की भागीदारी होती है, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है, बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था क्या कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब नगर निगम कहलाती है। आगे हैं, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे आप क्या कहेंगे, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है तो आप उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल दोस्तों बीडीओ कहेंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ। आगे है, भारतीय संविधान के जनक हैं, और दोस्तों बताइए कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा कह सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के जनक हैं कौन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने के लिए,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। इस पर हम आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो देंगे, कोशिश करते हैं। आगे है दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या फिर आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखाने या किसी होटल में या किसी तरह से काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं, और अगर रखते हैं तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल है कितने हैं? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितने हैं? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो होते हैं वो 5 साल के लिए होता है, आप याद रखिए, कन्फ्यूजियाई नहीं। आगे दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। पहला है, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर 5वां? दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, इससे आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। अगर आपने अभी तक पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए और पीछे वाले वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा स्थान है भारत का विश्व में जनसंख्या के संदर्भ में। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।